हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट क्लासेस सीएस एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एआई कंप्लीट करा दिया है और आप एआई का प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं अभी नेटवर्किंग, जो कि 9th यूनिट है एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस सिलेबस का, वो करवा रही हूँ। इसमें आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आपको करवा दिया है कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। प्रीवियस लेक्चर में आप जाके चेक कर सकते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड डुप्लेक्स मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स मैंने कराया है और नॉइजलेस एंड नॉइजी चैनल्स, बैंडविड्थ, थ्रूपुट एंड लेटेंसी, ये सारा मैंने आपको करा दिया है। डिजिटल एंड एनालॉग ट्रांसमिशन आज कराऊंगी, डेटा इनकोडिंग आज कराऊंगी और इसके बाद मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ब्रॉडबैंड, बेसबैंड, ऐसे मैं धीरे धीरे आपको करवाते जाऊंगी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि 2 लेक्चर में पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, लेकिन फ्रेंड्स ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इतना इसमें नॉलेज है, उसको मैं जैसे तैसे शॉर्टकट में नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी फीडबैक आ रहा है कि मैम आप बहुत अच्छे से डिटेल में हैंड रिटन नोट्स बनाकर और ग्राफ बनाकर, इमेज बनाकर, कलरफुल चीज़ों से जैसे आप बनवा रही हैं, इतना अच्छे से पढ़ा रही हैं, एक एक टॉपिक कंप्लीशन जो है आपके लेक्चर्स में, तो आप प्लीज़ इसको इसी तरह से कैरी ऑन कीजिए। और अगर कंप्लीशन के साथ में करूँ तो डेफिनेटली फ्रेंड्स टाइम लगेगा, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये कंप्लीशन वाला चल रहा है तो इसको मैं कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज़ सिर्फ पीवाईक्यूज़ करा दूँगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम को मैंने सोचा था कि आप लोगों का पूरा कवर करा दूँ, लेकिन ये नहीं। दूसरी बात, मृणाली मैम हैं तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और आपको मार्च एंड तक वो TOC करवाएंगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम TOC कब, लेकिन क्या है उनका भी कुछ कॉलेज का काम है, उनका भी जॉब है और फिर बहुत सारा ये हो जाता है। हमारे यहाँ भी है, फैमिली है, बच्चे हैं और एक्स्ट्रा काम भी मैं साथ में करती हूँ पढ़ाई लिखाई का, तो बहुत सारा काम है, तो इसको सबको मैनेज करके मैं यहाँ पे आपको लेक्चर्स दे रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसको जैसे तैसे शॉर्टकट में नहीं करना है, और बच्चों को पसंद भी आ रहा है। सारे बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम आप क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी पे मत जाइए, जो यूनिट कराइए उसको कंप्लीट कराइए। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे जो फील हो रहा है वो यही कि नेक्स्ट एग्ज़ाम तक हम 100% आपका सिलेबस करा देंगे इसी वे में, बट अभी हमारा कोशिश होगा कि मैक्स टू मैक्स हम मे एग्ज़ाम तक कवर करें, बट ये गारंटी नहीं है कि हम टोटल कराएंगे, क्योंकि नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिए ये, तो आप लोग इसको बस ये डिटेल मैनर में पढ़िए, क्योंकि ऐसे कोई नहीं पढ़ेगा और मुझे ऐसे बिना पढ़ाए सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बुक से फॉलो करते हुए, सिलेबस को कवर करते हुए, एक एक टॉपिक को अच्छे से, यानी कि एक सेंटेंस बोल दी और ख़त्म, क्योंकि हम हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब जो हाईएस्ट लेवल का है वो पढ़ाई हमारी हो रही है, तो उसमें हम एक सेंटेंस से नहीं हो सकता है। तो यही मेरा अभी का जो था एक इशू, ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, क्या मतलब इसी वे में हम चले, अच्छे से डिटेल मैनर में चले, या फिर शॉर्टकट मारते हुए और केवल PYQs करें, तो फिर मैं कंटेंट नहीं करा पाऊँगी अभी मैं एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मैं चाहती हूँ जो यूनिट कराऊँ वो एटलीस्ट कंप्लीट करा दूँ। मान लीजिए कि अभी अगर 4 यूनिट भी मैं करा दूँगी मैं एग्ज़ाम के पहले, और 3-4 यूनिट अगर मृणाली मैम, तो आप लोग का फिर भी 5-6-7 यूनिट तक कम्प्लीट हो जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि हम लोग को डिटेल मैनर में अच्छे से ही करना चाहिए, और आप लोगों को क्या कहना है आप लोग बता सकते हैं। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सिग्नल बताया था डिजिटल एंड एनालॉग, यहाँ आ गया है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या है, हम लोग अभी तक सिंप्लीफाइड कम्युनिकेशन मॉडल
पढ़ चुके थे, डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन हमने देख लिया था। अब क्या है कि सिग्नल्स क्या क्या कैसे कैसे होते हैं। डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स तो होते हैं, लेकिन ईच सिग्नल बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस इमेज। देखिए सिग्नल एलिमेंट, एक सिग्नल एलिमेंट, दूसरा सिग्नल एलिमेंट, तीसरा सिग्नल एलिमेंट, चौथा सिग्नल एलिमेंट। तो क्या है, ईच सिग्नल बिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्नल एलिमेंट और ईच सिग्नल एलिमेंट टेक सम टाइम टू सेंड। हर सिग्नल एलिमेंट को भेजने में एक टाइम लगेगा ही लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, फिक्स स्पेसिफिक टाइम लगेगा। तो ये दो पॉइंट हमको हमेशा याद रखना है कि एक इसको सिग्नल एलिमेंट कहते हैं, ईच सिंगल बिट कैन बी रिप्रेजेंट सिग्नल एलिमेंट और ईच सिग्नल एलिमेंट टेक सम टाइम टू सेंड। अब आगे है बीट रेट। तो बीट रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ बीट्स दैट कैन बी सेंड आउट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड बीट रेट। हम जितना बीट एक सेकंड में हम सेंड कर पाएँ वो होता है बीट रेट। और हम लोगों को कोशिश क्या करनी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन कि मैक्सिमाइज द डेटा रेट और बीट रेट। बीट रेट या डेटा रेट को मैक्सिमाइज करना हमारा ऑब्जेक्टिव है। और नंबर ऑफ बीट्स दैट द सिस्टम कैन ट्रांसमिट इट इन अ यूनिट ऑफ टाइम क्या है, डेटा रेट या बीट रेट है। और होता क्या है, डेटा रेट जब बढ़ेगा तो बीट एरर रेट भी बढ़ेगा। वी विल ट्राई टू इंक्रीज डेटा रेट एंड डिक्रीज बीट एरर रेट। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि हम स्कूल में थे और हम डिक्टेशन होता था हमारे यहाँ, तो जब सर या मैम डिक्टेशन लेते थे तो 5 से 10 सेंटेंस होता था, तो उसमें एरर कितना आता था, 2-4 वर्ड आता था, 2-4 स्पेलिंग मिस्टेक आता था। लेकिन जब 2-3 पेज का डिक्टेशन होता था या 5 पेज का डिक्टेशन होता था तो उसमें हमारा एरर रेट बढ़ जाता था, एरर उसमें ज़्यादा मिलता था, है ना। तो उसी तरह है डेटा रेट, जब हम डेटा रेट बढ़ाते हैं तो बीट एरर रेट भी बढ़ता है। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती थी क्लास में कि अब की डिक्टेशन में मैं कम से कम मिस्टेक करूं, अब नेक्स्ट जो डिक्टेशन हो उसमें मेरा स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था, 100% एरर फ्री डेटा रेट, नॉट पॉसिबल। ये कभी नहीं होता था हमारे डिक्टेशन में और न ये रियल लाइफ में होता है, और यही डेटा ट्रांसमिशन में भी है, ये नहीं होता है 100% एरर फ्री डेटा रेट, नॉट पॉसिबल। लेकिन मिनिमम तो कर सकते हैं ना, मिनिमाइज तो कर सकते हैं ना, तो बीट एरर रेट हमको कम करना है। अब एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, अगर सैक है, कोई एक चावल की बोरी है, गेहूं की, अनाज की कोई भी बोरी है, चना है, दाल है, कुछ भी है, तो हम वो लेते हैं जब, तो हम चेक करते हैं कि उसका एक छोटा सा सैंपल हम लेके चेक करते हैं कि इसमें कम से कम कचरा हो। तो क्या होगा कि जब पूरी बोरी का कचरा निकलेगा तो उसमें कम निकलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा जिसमें गंदगी हो तो उसमें 1/4, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 उतना वो कचरा ही निकल गया, एरर ही निकल गया। तो हम किसको पसंद करते हैं, पसंद तो हम उसको करेंगे ना जिसमें कि 25 किलो में 25 ग्राम निकले कचरा, ये नहीं कि 25 किलो में 2/250 ग्राम निकले, वो तो हम नहीं पसंद करेंगे ना। हम तो चाहेंगे कि कम से कम एरर रेट हो। तो ये दो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया, डिक्टेशन का और अनाज की बोरी का। आपको जो याद रखना हो वो आप याद रख सकते हैं।
तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन। अब आपको कहीं आ सकता है ऐसे मैचिंग वाला क्वेश्चन, या आजकल जो आता है एसर्शन रीजनिंग टाइप से कि ये होता है तो क्यों होता है, इसमें डेटा रेट ज़्यादा होगा, बिट एरर रेट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमको क्या, हम ट्राई क्या करते हैं डेटा रेट बढ़ा हो बिट रेट भी साथ में बढ़ता है, या डेटा रेट ज़्यादा हो बिट रेट कम हो, इस तरह से एसर्शन रीजनिंग वाले बहुत सारे आते हैं आजकल क्वेश्चंस, तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट को पूछा जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें और समझ सकें। और सबसे बड़ी बात, ये जो ऑब्जेक्टिव है इसमें क्या है कि इन ऑर्डर टू अचीव हाई डेटा रेट विथ लो बिट एरर रेट वी नीड टू स्टडी द प्रिंसिपल ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ डेटा कम्युनिकेशंस है यही हमारा पूरा सिलेबस है। और समझ लीजिए कि प्रिंसिपल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन क्या है, टू ऑर्डर टू अचीव हाई डेटा रेट वी विथ लो बिट एरर रेट, यही है कि हमको प्रिंसिपल ऑफ डेटा कम्युनिकेशन यही है कि हमको डेटा रेट को बढ़ाना है और एरर रेट को घटाना है कम से कम। यहाँ पे मैंने एक और सेंटेंस लिखा था, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट वी हैव टू इंक्रीज, क्या होता क्या है जनरली कि ये डेटा रेट बढ़ता है बिट एरर रेट भी बढ़ जाता है, लेकिन हमको कोशिश क्या करना है, बट वी हैव टू इंक्रीज आवर डेटा रेट इन कंट्रोल बिट एरर रेट सिचुएशन। यानी कि हमको पता है कि हम डिक्टेशन लिखेंगे तो उसमें स्पेलिंग मिस्टेक आएगा, लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं कि कम आए। हम अगर अनाज की बोरी लेते हैं तो उसमें हमें पता है कि कचरा आएगा, लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है, हम जब उसको चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं कि दाना सही हो और कचरा कम से कम हो। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है डेली रूटीन, डेली लाइफ में, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, और यही ट्रांसमिशन में भी इसका भी ऑब्जेक्टिव यही है। और इसको अचीव करने के लिए ही हम डेटा कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, और डेटा कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल ही है इसको अचीव करना। ये जो इतना अच्छे से मैं ये समझा रही हूँ ना, प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको अच्छे से सीरियसली अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। अब है डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन में क्या है कि हम ट्रांसमीटर, जो हम सेंडर कहते थे वो ट्रांसमीटर है, दोनों सेम चीज़ है, और यहाँ रिसीवर है और यहाँ ट्रांसमिशन मीडियम है। तो यहाँ से क्या है, सिग्नल जा रहा है, ठीक है, एस फॉर सिग्नल, ये इसमें ट्रांसफ़र होता है। ये तो सबको पता है कि डेटा कम्युनिकेशन में यही काम होता है। अब है ट्रांसमिशन मीडियम। तो ट्रांसमिशन मीडियम में क्या होता है, सिग्नल जा रहा है ट्रांसमिशन मीडियम में, इस इमेज में मैंने क्या दिखाया कि इसमें सिग्नल जा रहा है, और सिग्नल क्या होता है, सिग्नल होता है इज सिग्नल आर जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है सिग्नल, और वो क्या करता है, ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। और ट्रांसमिशन मीडियम कितना होता है, दो तरह का होता है, गाइडेड मीडियम और अनगाइडेड मीडियम। अब गाइडेड मीडियम क्या होता है, जो फिजिकली हम जिसको देख सके, छू सके, महसूस कर सके, जस्ट लाइक हार्डवेयर, जो हम हार्ड कॉपी हार्डवेयर पढ़ते हैं, सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं। तो गाइडेड मीडियम का एग्जांपल क्या है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और अनगाइडेड मीडियम का क्या है, वायरलेस, एयर, वाटर, वैक्यूम। अब देखिए, हम जो सैटेलाइट से जो भी सिग्नल आता है, जो भी वेव आता है, वो किस मीडियम से आता है, वहाँ कहीं ना कहीं वैक्यूम भी होता है, कहीं ना कहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह, मतलब एटमॉस्फेयर बराबर हो, मतलब हमें अच्छे से पता भी नहीं है, लेकिन आखिर ये सिग्नल्स ट्रांसमिट तो होते हैं ना, वहाँ से आते हैं ना।
तो जब हम डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा वायरलेस एयर वाटर वैक्यूम ऑल आर अनगाइडेड मीडियम। एंड गाइडेड मीडियम में हम देख लिए ये है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। तो यहाँ हम आ गए ट्रांसमिशन मीडियम से, ठीक है। अब सिग्नल्स को हम डिनोट कैसे करते हैं, टाइम या फ्रिक्वेंसी के टर्म में। तो फंक्शन ऑफ टाइम को हम एस फॉर सिग्नल और टी फॉर टाइम, एस टी से डिनोट करते हैं और ये फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं सिग्नल्स को। अब हमारा आगे आ गया कि स्पेक्ट्रम और बैंडविड्थ क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष है ना, रेनबो। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है कि रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी कंटेन इन द सिग्नल, तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। और रेंज ऑफ कलर्स इज कॉल्ड रेनबो, है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम है ये पूरा सिग्नल का रेंज है, कहाँ से कहाँ सिग्नल जा सकता है, कितना है वो पूरा सेट वो है। और उसमें होता है एब्सोल्यूट बैंडविड्थ। एब्सोल्यूट बैंडविड्थ क्या है, विथ द सिग्नल स्पेक्ट्रम देयर आर सो मैनी फ्रिक्वेंसीज विच हैव इनफाइनाइट बैंडविड्थ। इनफाइनाइट बैंडविड्थ के साथ बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, लेकिन इफेक्टिव बैंडविड्थ इसी में अंदर होता है। अब देख लीजिए कि एब्सोल्यूट ये पूरा है, ये पूरा है वो एब्सोल्यूट है, लेकिन यहाँ में ये जो है ये है द लिमिटेड नैरो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसीज कंटेनिंग मोस्ट और मैक्स ऑफ द सिग्नल एनर्जी विच गिव्स द नॉइज फ्री नॉइजलेस ट्रांसमिशन इज कॉल्ड इफेक्टिव बैंडविड्थ। अब इसका भी एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ हमारे डेली लाइफ से। मान लीजिए कि हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, तो छोटे बच्चे भी हैं, नाती पोता भी है और बाबा जी दादा माँ ये लोग भी हैं। और लेकिन इसमें जो मोस्ट द सिग्नल मैक्स एनर्जी किसमें होता है, फादर में, घर में जो मेल मेंबर है या मदर और फादर वो हैं उसके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट ऑफ द काम वो लोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं कुछ ना कुछ, बुजुर्ग भी करते हैं, लेकिन जो यंग है, जो मदर फादर है, जो मिडिल जनरेशन वाले हैं वो लोग क्या होता है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो द लिमिटेड नैरो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी कंटेनिंग मोस्ट और मैक्स ऑफ द सिग्नल एनर्जी विच गिव्स द नॉइज फ्री नॉइजलेस ट्रांसमिशन, ठीक है। अब इसको हम और एक एग्जांपल आपको मैं दे दूँ, जैसे कि हम रेडियो पे देखते हैं, फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं और गाना सुनते हैं या कोई भी चीज़ प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो मान लीजिए कि हम थोड़ा ऊपर नीचे अगर फ्रिक्वेंसी में रखें तो क्या होता है, वहाँ नॉइज़ आता है, कर 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 घर घर आहट की आवाज़ आती है, बिल्कुल क्लियर आवाज़ नहीं होता है। लेकिन अगर हम 98.3 पे लगा दिए, एग्जैक्ट उस फ्रिक्वेंसी पे लगा दिए, 102.4 सीधे इस फ्रिक्वेंसी पे लगा दिए, तो क्या है, विविध भारती, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगा, बिल्कुल अच्छे से आएगा। तो वहाँ नॉइज़ फ्री नॉइजलेस ट्रांसमिशन होने लगता है। तो ये जो सिग्नल है, ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये इसको डेडिकेटेड है इस एप्लीकेशन के लिए, इस काम के लिए, इस चैनल को वो फ्रिक्वेंसी डेडिकेटेड है, उस फ्रिक्वेंसी पे वो पूरा आज़ादी से अपना काम करेगा, वो फ्रिक्वेंसी रेंज उसी के लिए काम करता है। तो आपको इफ़ेक्टिव बैंडविड्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अभी तक मैंने आपको एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स बताए थे, अब यहाँ ट्रांसमिशन हम पढ़ रहे हैं, एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन। तो इसको इसमें आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी और पीरियड, f इजक्ल टू 1/T, t इजक्ल टू 1/f, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के। अब एनालॉग सिग्नल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंटिन्यूस मैनर में। और डिजिटल क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। एनालॉग कॉस्टली होता है, डिजिटल चीपर होता है।
एनालॉग में हम एम्पलीफायर इज़ यूज टू बूस्ट द एनर्जी इन द सिग्नल बट नॉट द डेटा। अब इसमें हम एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं और हम बूस्ट करते हैं सिग्नल को, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, जाते जाते यहाँ पे थोड़ी दूर के बाद क्या हो जाएगा, ऐसे से 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 मीन्स कि इसकी फ्रिक्वेंसी घटने लगती है। तो हम क्या करते हैं, एम्पलीफायर का यूज़ करते हैं, तो बूस्ट द एनर्जी इन द सिग्नल। लेकिन ये सिग्नल को बूस्ट करता है, लेकिन डेटा से उसका कोई मतलब नहीं है, डेटा को कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्या है, कैरीज ओनली सिग्नल्स विदाउट इफेक्ट और रिलेशन विथ द कंटेंट और डेटा। यानी कि केवल ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, इसको डेटा से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि पोस्टमैन की तरह हुआ कि वो बस लिफाफा आप तक पहुंचा दिया, उसको ये नहीं पता है कि अंदर क्या है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको पैकेट पहुंचाना है। तो यही है इसका काम। एम्पलीफायर आल्सो बूस्ट द नॉइज़। अब जब ये सिग्नल को बूस्ट करता है तो साथ में नॉइज़ भी बूस्ट होता है, क्योंकि ये इसको अलग नहीं कर पाता है, रिफाइन नहीं कर पाता है। वॉइस विल बी नॉट टू मच अफेक्टेड बाय द कैस्केड एम्पलीफायर यूज़। कैस्केड यानी क्या है, कंटिन्यू अटैच कर देना, एक एम्पलीफायर, फिर थोड़ी दूर पे दो एम्पलीफायर, फिर तीसरा तो ये होता है कैस्केड। तो क्या है, वॉइस विल बी नॉट टू मच अफेक्टेड बाय कैस्केडेड एम्पलीफायर यूज़। डेटा रिमेन इंटेलिजिबल, और ये पीरियोडिक होता है, मतलब वॉइस वाले में ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ता है इससे, लेकिन अगर नंबर हो वो सब तो उसमें अफेक्ट पड़ेगा। ये पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक कैसे है, इस तरह से यहाँ से आए, ये पीरियोडिक है, ठीक है। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ इन अ रेंज, है ना, इस बीच में कितना वैल्यू हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि जैसे हम देखते हैं माइनस वन से प्लस वन के बीच में, जीरो से वन के बीच में, तो इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, तो हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, फाइनाइट नहीं बता सकते हैं। उसके बाद है डिजिटल ट्रांसमिशन में क्या होता है, डिजिटल ट्रांसमिशन में क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ये चीपर होता है, चीपर देन एनालॉग, एनालॉग ज़्यादा महंगा होता है। और क्या है, इसमें रिपीटर्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर जहाँ यहाँ यूज़ हो रहा था, वहाँ यहाँ रिपीटर्स यूज होते हैं। रिपीटर्स रिसीव द सिग्नल, रिकवर द पैटर्न्स ऑफ वंस एंड जीरोस, रीजनरेट द सिग्नल एंड ट्रांसमिट द सिग्नल। लेस नॉइज, लेस सस्टेबल टू नॉइज, सफर फ्रॉम एटेन्यूएशन, पूसे सॉरी पल्सेस है, यहाँ एल मिस हो गया है, पल्सेस बिकम राउंडेड एंड स्मॉलर, लीड्स टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। कैस्केडेड एम्पलीफायर्स विल इंट्रोड्यूस द बीट एरर्स और नॉन पीरियोडिक होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ वैल्यूज होता है। तो ये डिस्क्रीट है तो इसमें तो लिमिटेड होगा, कैस्केडेड एम्पलीफायर है, विल इंट्रोड्यूस द बिट एरर, और ये है नॉन पीरियोडिक है, तो ये क्या है, कैस्केडेड एम्पलीफायर जो होता है वो बिट एरर बताएगा, लेकिन रिपीटर हम जहाँ रिपीटर यूज करते हैं तो वहाँ बिट एरर नहीं के बराबर आता है, ठीक है। और ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, लेस नॉइज होता है, लेस सस्टेबल होता है, और टू नॉइज, और सफ़र फ्रॉम एटेन्यूएशन, पल्सेस बिकम राउंडेड एंड स्मॉलर, लीड्स टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारे पॉइंट्स होते हैं।
तो ये मैंने आपको बता दिया डिजिटल ट्रांसमिशन और एनालॉग ट्रांसमिशन के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ इनकोडिंग के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा डेटा इनकोडिंग एंड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। तो डेटा इनकोडिंग क्या है? द इनकोडिंग इन द केस ऑफ क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन क्या होता है? क्वांटिजेशन इज अ कंप्रेशन टेक्निक फॉर जेपीईजी। जेपीईजी फॉर्म में हमारा होता है ना इमेज वगैरह या कोई भी चीज़, तो वो उसको कंप्रेस करना क्वांटिजेशन होता है। तो द इनकोडिंग इन द केस ऑफ क्वांटिजेशन इज अ लॉसलेस कंप्रेशन यूजिंग आइदर रन लेंथ कोडिंग और एरिथमेटिक कोडिंग। ठीक है, तो ये क्या है? द इनकोडिंग इन द केस ऑफ लॉसलेस कंप्रेशन, इसको आप याद रखिएगा, लॉसलेस कंप्रेशन यूजिंग आइदर रन लेंथ कोडिंग और एरिथमेटिक कोडिंग, इस तरह से होता है। अब अरिथमेटिक कोडिंग कैसा होता है? तो उसका यहाँ पे एल्गोरिदम लिखा है। अरिथमेटिक इनकोडिंग मैसेज आएगा, करेंट इंटरवल क्या है, वाइल मोर सिंबल्स इन द मैसेज, फिर एस इनपुट नेक्स्ट सिंबल, फिर डिवाइड करेंट इंटरवल इनटू सब इंटरवल, फिर सब इंटरवल रिलेटेड टू एस, और उसके बाद करेंट इंटरवल इज इक्वल टू सब इंटरवल, फिर इस तरह से ये मतलब साइकिल घूमता रहेगा, आउटपुट बिट्स रिलेटेड टू द करेंट इंटरवल। तो ये होता है डेटा इनकोडिंग। उसके बाद क्या होता है कि आप इनकोडिंग में और एक पॉइंट देख सकते हैं, टू इनकोड ए मैसेज इन अरिथमेटिक कोडिंग वी फर्स्ट नीड टू असाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस टू ईच सिंबल। हमें जब कोडिंग करना हो तो प्रोबेबिलिटी हमें बताना पड़ता है, सोचना पड़ता है उसके बारे में। टू इनकोड ए मैसेज इन अरिथमेटिक कोडिंग वी फर्स्ट नीड टू असाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस टू ईच सिंबल। इफ वी हैव एम सिंबल्स इन द अल्फाबेट द प्रोबेबिलिटीज आर p1 p2 pm इन विच p1 प्लस p2 प्लस pm इज इक्वल टू 1.0। हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं ना कि सारे का समेशन आके 1 हो जाता है, तो यहाँ भी वही होता है। तो ये हमारा है इनकोडिंग कैसे होता है। अब इनकोडिंग में हमें जैसे आता है हफमैन कोडिंग से रिलेटेड कभी कभी, तो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन हफमैन कोडिंग। ठीक है, तो इसमें कैसे होता है काम? कोई एक मैसेज मैंने डाला, ये इनकोड हुआ 01 के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद कोडिंग टेबल का यहाँ यूज़ होता है, ये वाइस वर्सा होता है, और ये यहाँ पे कोड है, कोड से फिर डिकोडर आया और यहाँ मैसेज आ गया। ठीक है, तो ये इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन हफमैन कोडिंग कैसे हुआ? मैसेज आया सबसे पहले, नंबर 1 मैसेज आया, नंबर 2 इनकोड हुआ, और नंबर 3 कोड हो गया, नंबर 4 यहाँ कोड आया, ये डिकोड हुआ नंबर 5, और नंबर 6 में फिर हमें मैसेज मिल गया। तो ऐसे इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन हफमैन कोडिंग होता है। और इसको मैं और एक दो पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मॉड्यूलेशन टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं, ब्रॉडबैंड एंड बेस बैंड ट्रांसमिशन, मल्टीप्लेक्सिंग, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन एरर, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। जितना हो सके मैं अगले वीडियो में लाने की कोशिश करूँगी, लेकिन ये प्रॉमिस नहीं करूँगी कि 2 लेक्चर में ही एक पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि नहीं हो पा रहा है ऐसे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आप लोग को ऐसे डिटेल में पढ़ना सही है या नहीं है। और अगर मेरे लेक्चर्स में आपको थोड़ा भी कहीं भी कोई पॉइंट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट तो करना ही है,
सब्सक्राइब पक्का कर लीजिए, और अगर कोई आपके फ्रेंड्स में या इंटरेस्टेड पर्सन हो जिसको कंप्यूटर साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट हो तो उसके साथ आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो मेरे मेहनत के बदले में आप लोगों का यही कंट्रीब्यूशन मुझे चाहिए कि आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर, मतलब जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।